हेलो किड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको कॉमिक्स में जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वह है वेटिंग फॉर बस। हियर इज़ द बस स्टॉप, यहाँ है बस स्टॉप। किसेस इट्स हार्ड टू वेट फॉर द बस इन दिस हॉट सन, यानी कि बहुत ही कठिन है वेट करना बस का इतनी तपती धूप में, बहुत ही कड़क धूप में वेट करना किसी का बहुत ही कठिन है। When is the bus due? इसने ask किया किसे, ये जो बॉय खड़ा था उसे उसने पूछा। When is the bus due? यानी कि बस कब आएगी। Kids, ये जो हमारा due होता है, due, ये एक हमारा adjective होता है। ये हम तब यूज करते हैं जैसे कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है। जैसे हम अगर बोलें कि द ट्रेन इज ड्यू इन 10 मिनट्स, यानी ट्रेन जो है वो 10 मिनट में आने वाली है। और या किसी पेमेंट के लिए अगर हमने बोला योर पेमेंट इज़ ड्यू, यानी कि आपका पेमेंट ड्यू है, आपको देना है, तो इसलिए हमारा ड्यू यूज़ होता है। बॉय बोलता है डोंट नो, डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं एक घंटे से वेट कर रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहे होते, जहाँ पर हमारा कोई भी आवर लग जाए या टाइम लग जाए, तो हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन। बहुत ही लंबे समय से वेट करना अगर हो तो हैव बीन वेटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते थे कि आई एम वेटिंग। अगर हम यहाँ पे टाइम ना यूज़ करते, सिर्फ बोलते कि आई एम वेटिंग फॉर द बस, तो हम आई एम वेटिंग यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हमें बहुत दिखाना है कि मैं बहुत लंबे समय से कोई काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हैव बीन यूज होता है। तो वह एक घंटे से क्या कर रहा है, उस बस का इंतज़ार कर रहा है, तो इसलिए उसने बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ओह, वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आई फील हंग्री, बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते हुए मुझे भूख लगी है, इस लड़की ने बोला। तो पिंकी बोलती है हैव अ बनाना, बनाना खाओ। बॉय सेड थैंक्स, पिंकी सेड नो नीड टू थैंक मी, मुझे थैंक कहने की ज़रूरत नहीं है। यू हेल्प मी एंड आई हेल्प यू, यानी कि तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की। तो ये बॉय बोलता है How I am helping you? How am I helping you? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर रहा हूँ। Girl said, I stand in your shade. मैं तुम्हारी छाया में खड़ी हूँ। To escape the sun, सन से बचने के लिए। Escape का मतलब किसी चीज़ से बचना। Okay kids, तो ये थी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। Till then, take care, bye bye.